Namaste, I am Devian Swarnima, Assistant Professor in Jayavati Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from estimation and costing, which is for calculate the quantity for detail estimate. So as in the previous sessions, we were discussed about two methods. The first is prismoidal formula method and second is the trapezoidal method. In this session, we will discuss about the mean sectional area method and the mid-section area method. So first question is about mean sectional area method. The question is calculate the quantity of earthwork for a road with the data given below using the mean sectional area method. Refer table दे रखी है, EFL यानी कि earth formation level दे रखा है, width of earth formation level दे रखी है, ठीक है, और उसके बाद हमको side slope दे रखा है, ठीक है, embankment का और cutting का भी हमको क्या दे रखा है, side slope दे रखे हैं, gradient दे रखा है हमको, 1 in 200 दे रखा है हमको gradient. अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि डेप्थ ऑफ, हमको एक टेबल बनानी है जिस टेबल में क्या होगा, हमारे पास ये चेनेज हमको दे रखा है, ये दे रखा है चेनेज, ठीक है. अब इस चेनेज के बेसिस पे क्या होगा, आर एल ऑफ जी एल निकालना है, ठीक है. ये सॉरी निकाल दिया हुआ है, आर एल ऑफ जी एल और चेनेज दोनों चीजें दे रखी है, ठीक है. अब हम क्या निकालेंगे, आर एल ऑफ ई एफ एल निकालेंगे. आर एल ऑफ ई एफ एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर एल ऑफ प्रीवियस ई एफ एल प्लस माइनस 1/gradient × difference in changes, ठीक है. तो हमारे पास प्रीवियस चेंजेस हमको दे रखा है, ये दे रखा है हमको, सबसे पहले जीरो पे कितना है, 51.20 दे रखा है, ठीक है. तो हम कैसे निकालेंगे प्रीवियस, अब हमको नेक्स्ट निकालना है, तो 51.20 माइनस 1/ कितना ग्रेडियंट दे रखा है, 200, ठीक है. माइनस क्यों, क्योंकि क्या है, डाउनवर्ड है, इसलिए क्या है माइनस. तो माइनस 1/200 इंटू डिफरेंस कितना है चेनेज के बीच में, 40 है, तो 40, ठीक है. ऐसे ही करके नेक्स्ट भी हम करेंगे, 51 माइनस 1/200 इंटू 40. नेक्स्ट करेंगे 50.80 माइनस 80 माइनस 1/200 इंटू 40. ऐसे करके हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारे आर एल ऑफ ई एफ एल आ जाएंगे. अब डेप्थ निकालने के लिए हमने क्या किया था पिछले मेथड में भी, कि जो आर एल ऑफ ई एफ एल है उसमें से क्या माइनस किया था, आर एल ऑफ जी एल माइनस किया था. तो हमको एम्बैकमेंट की यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे मिल गई थी, ठीक है. अब हमको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे माइनस किया तो हमको नेगेटिव वैल्यू मिली, दैट मीन्स कि वो किसकी वैल्यू थी, कटिंग की वैल्यू थी. तो वो यहाँ पे हमको यहाँ पे कटिंग की वैल्यूज मिल गई. अगर जब भी डेप्थ में नेगेटिव वैल्यू आती तो उसका मतलब होता है कि वहां पर क्या हुई है, कटिंग हुई है, ठीक है. तो उसके यहाँ पे वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है. तो हमको यहाँ पे डी मिल गया, डेप्थ दोनों, डेप्थ ऑफ एम्बैकमेंट और डेप्थ ऑफ कटिंग मिल गया, आर एल ऑफ ई एफ एल मिल गया, सब कुछ मिल गया. अब हमने क्या किया कि यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ये एम्बैकमेंट का है और ये कटिंग का है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ तक तो पॉजिटिव था डी और यहाँ पे आके नेगेटिव आ गया, तो इसके बीच में एक ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पर क्या होगा, वैल्यू जीरो आई होगी. तो उसको निकालने के लिए एट चेंज फ्रॉम बैंकिंग टू कटिंग, ठीक है, अर्थ एम्बैकमेंट से जहाँ पे कटिंग तक आ गए, तो वहां पर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जो भी वैल्यू है जीएल की वो क्या हुई होगी, जीरो हुई होगी. तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, d1/d2 = x/tanh − x, ठीक है. तो हमने क्या किया, हमारी कौन सी वैल्यू थी जो जहाँ पे चेंज आया, ये वाली 40 वैल्यू थी, इसका डी क्या था, 0.30 था. नेक्स्ट हमारी कौन सी वैल्यू थी, 80, और इसका डी कितना था, 0.40 था, ठीक है. तो हमने क्या किया, हमारे पास x/chnage − x कितना हुआ, x/40 − x हो गया, और d1 हमारा 0.30 हो गया, नेक्स्ट d1 हमारा 0.40 था, ये हमने ले लिया, ठीक है. इसके बेसिस पे हमने क्या निकाल दिया, x निकाल दिया, वो कितना था, 17.14. अब हमको क्या निकालना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस 40 के बाद वाली ही जो वैल्यू होगी हमारी कौन सी होगी, वही 0.0 वाली वैल्यू होगी. तो हमने क्या किया, उस 40 में क्या किया, 17.14 को प्लस कर दिया, तो हमारे पास वो वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया जिस पे हमारी वैल्यू जीरो थी, ठीक है. अब हमको बी दे रखा है, एस फॉर एम्बैकमेंट दे रखा है, एस फॉर कटिंग दे रखा है,
हमको ये टेबल बनानी है और सारी वैल्यूज निकाल के टोटल क्वांटिटी निकाल देनी है, ठीक है। सबसे पहले डेप्थ हमने यहाँ पे निकाली ली है, बी डी स्क्वायर, बी डी करने के लिए क्या करेंगे, बी हमको गिवन है, डी को हम इंटू करते जाएंगे जो जो हमारे पास डी है, ठीक है। एस डी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एस हमारे पास जब तक हम एम्बैकमेंट की बात एम्बैकमेंट में है तब हम एस के लिए टू यूज करेंगे, और जब हम किस में आ गए कटिंग में आ गए तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, 1.5 यूज करेंगे। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो सेक्शनल एरिया आ जाएगा, इसका मीन निकाले तो हमारे पास इसका सेक्शनल मीन एरिया आ जाएगा। लेंथ हमको 40 गिवन ही है, ठीक है, 40 का डिफरेंस जो चल रहा है, ठीक है, 40 गिवन ही है। जो चेन एज की लेंथ है, ये चेन एज में जो हमको सेक्शन मिलते हैं 0, 40, 80, ये किस लिए होते हैं, जो लेंथ होती है चेन की वो कितनी होती है, 40 की लेंथ की चेन है, दैट्स व्हाई ये जो डिफरेंस मिल रहा है चेन एज में ये 40 का मिल रहा है। तो ये लेंथ हमारी 40 हो गई। जब मीन सेक्शनल एरिया और लेंथ को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी मीटर क्यूब में। तो ऐसे ही मेरी दोनों एम्बैकमेंट की क्वांटिटीज आ गई, दोनों कटिंग की क्वांटिटीज आ गई, दोनों को टोटल कर दिया तो मेरी ये टोटल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फिगर शोज द लिमिट प्लॉटेड फॉर द रोड वर्क फॉर द फॉर्मेशन लेवल अ रोड एट स्टार्टिंग पॉइंट इज 370। ये दे रखा है कि जो रोड लेवल है स्टार्टिंग लेवल वो 370 का है, ठीक है। द रोड सरफेस शैल बी फॉलिंग ग्रेडियंट लाइन ऑफ 1:60। तो हमको यहाँ पे ग्रेडियंट कितना दे रखा है, 1:60 दे रखा है। फॉर्मेशन विड्थ दे रखी है 10 मीटर की, साइड स्लोप दे रखा है 1:2 एम्बैकमेंट का, और 3:2:1 कटिंग का हमको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि अज्यूम करना है कोई भी क्रॉस स्लोप नहीं है ग्राउंड में, और कैलकुलेट क्या क्या करना है, एफएल कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी ऑफ एम्बैकमेंट और क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन कटिंग हमको कैलकुलेट करनी। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे फॉलिंग आता है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो हमको यहाँ पे पहले से ही दे रखा है चेन एज और जीएल दे रखा है, ठीक है, यानी ग्राउंड लेवल और चेन एज हमको यहाँ पे गिवन है। अब हमको क्या निकालना है, फॉर्मेशन लेवल निकालने, हमको फर्स्ट फॉर्मेशन लेवल 370 यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट फॉर्मेशन लेवल निकालने के लिए क्या करेंगे, 370 - 1/60 × 30, ठीक है। क्यों माइनस का, क्योंकि हमको क्या बोला है, डाउनवर्ड जो फॉलिंग ग्रेडियंट दे रखा है, ठीक है, फॉलिंग ग्रेडियंट दैट मीन्स डाउनवर्ड ग्रेडियंट, ठीक है, तो इसलिए हमने माइनस का साइन यूज किया। और इसी तरह से हर प्रीवियस एफएल को लेके हमने क्या किया, नेक्स्ट एफएल हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद डी कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, एफएल माइनस जीएल करते हैं, एफएल माइनस जीएल करके हमने सारी वैल्यूज निकाल दी। जैसे यहाँ पे हम लोग पहुंचे तो हमको यहाँ पे माइनस साइन मिला, माइनस साइन मींस दैट मींस हम कहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, तो हमारी वैल्यूज क्या है, यहाँ पे नेगेटिव आई है। क्यों नेगेटिव आई है हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है, कटिंग हुई है, यहाँ पर क्या हुई है, कटिंग, दैट्स व्हाई ये क्या वैल्यू आई है, हमारी नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे हमको मिली है, ठीक है। अब क्या हुआ नेक्स्ट, जब हम लोग हमारा हम क्या करेंगे, चेन बनाएंगे, सॉरी हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में सारी क्या वैल्यू होंगे, चेनेज होगा, डेप्थ होगा, डेप्थ मीन होगा, डेप्थ हमने कैलकुलेट कर लिया, उसका मीन हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इस मीन को बी से इंटू कर देंगे, फिर हम उस डेप्थ को ही किससे इंटू कर देंगे, एस से इंटू कर देंगे। जब तक हमारे एम्बैकमेंट में हम बात कर रहे हैं तो हम एम्बैकमेंट का करेंगे, जब हम कटिंग में पहुंच जाएंगे तो हम कटिंग का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है, सॉरी कटिंग की यहाँ पे एस की वैल्यू रखेंगे जो कि क्या है, 3.3/2 है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे इस वाली कॉलम में, और हमको लेंथ 30 दे रखी है, 30 दैट मींस कि देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना दे रखा है चेन एज का, 30 का दे रखा है, तो हमारी जो लेंथ है वो कितनी है चेन एज की, वो 30 है, ठीक है। क्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर को हम क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं लेंथ से, यानी 30 से इंटू कर देंगे, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटीज ऑफ एम्बैकमेंट एंड टोटल क्वांटिटीज ऑफ कटिंग आ जाएगी। तो हमको जो तीनों चीजें पूछी गई थी हमने वो यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। आई होप इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।